हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू न्यू ईयर 2024। बच्चों, आप ना आपका बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, आप देखो न्यू ईयर एंजॉय करो, खूब मस्ती करो, खूब खुश रहो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी देखनी है। देखो बच्चों, अभी का टाइम 1-1 मिनट आपके लिए कीमती है, तो सारा टाइम एंजॉयमेंट में ही नहीं निकाल देना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ताकि 2024 आपके लिए कमाल का हो। आपने जितने परसेंटेज सोचे भी नहीं हो उतने आ जाए, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ 100 से ऊपर चले जाओ, 100 के अंदर ही रहना, लेकिन मेहनत ऐसे ही करनी है कि कुछ न कुछ कमाल हो जाए, ठीक है? और मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है? तो चलो हम फिर थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करते हैं। तो देखो, IUPAC नाम हमने पहले भी आपको बताया था, तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना, कुछ IUPAC नाम ऐसे आते हैं जिसमें कई क्रियात्मक समूह लगे रहते हैं। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा कि एक क्रियात्मक समूह लगा होता है, तो हम जैसे कार्बोक्सिलिक लगा है तो OH बोलते हैं, आपका OH लगा है तो ऑल लग जाता है, CHO लगा है तो अल लग जाता है, लेकिन अगर किसी में एक ही में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दे रखे हो तो फिर उनका कैसे करेंगे? तो चलो देखते हैं। जैसे देखो, CHCl डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है? अब इनका IUPAC नाम करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे लंबी श्रृंखला तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? अब देखो, इसने नंबरिंग इधर से क्यों की बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, ठीक है? क्लोरीन सबसे पास में है और डबल बॉन्ड भी इधर से पास में है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? तो क्लोरीन के पास में जुड़ने की वजह से हमने नंबरिंग कहाँ से शुरू करी, इधर से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? अब आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह रहते हैं तो फिर हम अल्फाबेटिकली देखते हैं, मतलब ABCD के हिसाब से कौन सा पहले आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ये आपका, अच्छा एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आपका फ्लोरीन, आयोडीन, ये हैलोजन श्रेणी है, तो इनका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद आपका जो भी एल्किल समूह के मेथिल एथिल हैं उनको देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका 1 क्लोरो, पहली जगह पे क्लोरीन जुड़ा है तो 1 क्लोरो, फिर आपका क्या है, 4 मेथिल, क्योंकि ये चौथी जगह पे जुड़ा है, फिर ट्रिपल बॉन्ड के पहले क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1-ईन, ठीक है? क्योंकि पहले नंबर के आगे क्या जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1-ईन, और 5वें नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, तो या ये हो जाएगा आपका 5-आयन, मतलब 1-क्लोरो-4-मेथिल-हेक्स। पूरी श्रृंखला किसकी है, हेक्सेन की, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6, तो हेक्स 1-ईन-5-आयन, ठीक है? इसी तरह दूसरा देखिए, ये कौन सा क्रियात्मक समूह यहाँ पे जुड़ा है, OH, ठीक है? तो फिर से वही, अब देखो इधर से करें या इधर से करें, दोनों तरफ से ही पास में है। अब यहाँ पे एक चीज हमें और क्या देखनी है, देखिए 1 और 2, 3, यहाँ पे Cl जो है इधर से पास में पड़ रहा है, OH तो दोनों तरफ से एक ही एक नंबर पे है, लेकिन जो आपका Cl है वो किधर से पास में पड़ रहा है, इधर से, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4, तो पूरी श्रृंखला किसकी है, ब्यूटेन की, ठीक है? और यहाँ पे क्या जुड़ा है, 2 OH, और क्या जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरीन, ठीक है? तो क्लोरीन किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो 2 क्लोरो, पूरी श्रृंखला किसकी है, ब्यूटेन की। फिर आपका जो ऑल है वो किस किस जगह पे जुड़ा हुआ है, पहली जगह पे और चौथी जगह पे, तो 1.4 डाई, दोनों एक ही जैसे हैं, यहाँ भी OH, वहाँ यहाँ भी OH, तो हम क्या लिखेंगे, अभी हम इनकी जगह बता रहे हैं ना, कि एक OH यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, तो 1.4 दो हैं तो डाई क्या हो गया, ऑल, ठीक है? इसी तरह से हमारा जो पांचवा है, पांचवा भी ऐसे ही है। फिर से हम देखेंगे कि हम, अब देखो इसमें ये जो हमारा हाइलोजन ग्रुप है, प्रतिस्थापी समूह आयोडीन, ये किधर से पास में, इधर से पास में है, ठीक है?
तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पूरी श्रृंखला किसकी है? हेक्सेन की। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हाइड्रोजन पे नहीं जाना है, आप कार्बन काउंट कर लो कितने हैं, उसके हिसाब से ये श्रृंखला किसकी हो जाएगी? हेक्सेन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 तीसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है? आयडो। तो हम क्या यहाँ क्या करेंगे? 3 आयडो। पूरी श्रृंखला किसकी है? हेक्सेन की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हेक्सा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जुड़ा है? एक तो पहले जगह पे जुड़ा है और दूसरा पांचवें जगह पे जुड़ा हुआ है। अब दोनों ही डबल बॉन्ड हैं तो क्या हो जाएगा? 1, 5 दो डबल बॉन्ड है तो डाई और इन। ठीक है, इतना क्लियर है। इसी तरह से बच्चों हम ये छठा देख लेते हैं, CH3CHBr C00C2H5। ठीक है, आप ध्यान रखना बच्चों, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C00R आता है तो इसके लास्ट में क्या जुड़ता है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसके लास्ट में क्या जुड़ता है बेटा? ये किसका ग्रुप है? ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? इसका नाम क्या है? एस्टर। और जब हम इसका IUPAC नाम करते हैं तो लास्ट में क्या लगता है बेटा? OH। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन, इसका नाम क्या है? एस्टर। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कोई एल्किल समूह और यहाँ पे R लगा है तो इसका मतलब यहाँ भी हम कोई भी एल्किल समूह जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना CH3CHBr C00C2H5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो क्रियात्मक समूह है, ठीक है, तो इधर से ये पास में है तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, ठीक, इस कार्बन से। ठीक है, जैसे ये है तो हम नंबरिंग इसकी कहाँ करेंगे? कार्बन की काउंटिंग OH में, जहाँ से ये जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह। तो इसको हमने सबसे पहला नंबर दे दिया 1, 2 और 3। ठीक है, फिर से वैसे ही अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा ग्रुप है? एथिल। तो आपका क्या हो जाएगा? एथिल। और ब्रोमीन किस जगह पे है? 2 ब्रोमो। पूरी श्रृंखला किसकी है? 1, 2 और 3 तो प्रोपीन की, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट। ठीक है, इसी तरह से 7th, अब यहाँ पे भी वही क्रियात्मक समूह आपका जुड़ा हुआ है। तो अब देखो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिधर से ये क्रियात्मक समूह होगा हम पहला नंबर वहीं से ही करेंगे। ठीक है, अभी हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और हैलोजन ग्रुप, एल्किल समूह ये देख रहे थे, लेकिन अब हमारे मेन जो क्रियात्मक समूह है वो शुरू हो गए हैं। तो जैसे आपका ये एस्टर है तो जिधर से ये जुड़ा होगा उधर उसको हम सबसे, उस कार्बन को हम सबसे कम नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो बच्चों अब ये देखिए ये बन गया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पे मेथिल है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मेथिल, इसका नाम लिखोगे मेथिल। फिर अब देखो अन्य प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह कहाँ जुड़े हुए हैं? दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। अच्छा हाँ, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मेथिल 3 क्लोरो। आपको बताया था ना कि हैलोजन समूह अगर होगा तो उसका नाम लिखेंगे हम 3 क्लोरो। फिर दूसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल, तो 2 मेथिल। और पूरी श्रृंखला किसकी है बच्चों? 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन में OH जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? ब्यूटेनोएट। ठीक है, देखो एस्टर होगा तो यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह जुड़ा हो, ठीक है, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर जो भी क्रियात्मक समूह, अगर मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो हम उनका नाम लिखेंगे, इसके बाद मेथिल, एथिल जो भी जुड़े हैं उनका नाम लिखेंगे, फिर पूरी श्रृंखला किसकी है? जिसकी होगी उसमें हम OH जोड़ देंगे और इनका नाम हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, फिर 8वें में देखते हैं, जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड C है, सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये जो यहाँ पे CO जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बच्चों आपको पता है क्रियात्मक समूह आपने पढ़ा होगा, ये किसकी पहचान होती है? कीटोन की। क्या नाम है इसका? कीटोन। और IUPAC में लास्ट में इसमें क्या लग जाता है बच्चों? ओन। ठीक है, क्या लग जाएगा? ओन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब पूरी श्रृंखला काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने कार्बन। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे CO है तो पूरी कार्बन काउंट होगी, ये वाली भी कार्बन काउंट होगी और इसके इधर वाली भी कार्बन काउंट होगी, जबकि एस्टर में ऐसा नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना,
1, 2, 3, 4, 5 पूरी श्रृंखला किसकी है? पेंटेन की, पेंट। अब यहाँ पे देखना, 1, 2, 3, 4 चौथी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 इन और 2 आपका क्या हो जाएगा? ओन। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। तो पेंट 4 इन 2 ऑन ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पेंटे नौ ठीक है। फिर नौवे में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर क्या जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ ओ एच, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। इसके आईयूपीएसी नाम में क्या लगता है बच्चों? ओइक, आपने पढ़ा होगा ओइक ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? इधर से 1, 2, 3 और 4 ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? क्लोरीन, तो 2 क्लोरो 3 2 क्लोरो पूरी श्रृंखला किसकी है? ब्यूटेन की, तो 2 क्लोरो ब्यूट 3 आयन क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड, 3 आयन ओइक एसिड ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका? ओइक। इसी तरह बच्चों अगर एक ही में कितने, 2-3 क्रियात्मक समूह, जैसे यहाँ पे कितने क्रियात्मक समूह है? 1, 2 और 3 ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, इसमें भी वही सिस्टम होगा। देखो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड आएगा तो हम इसको काउंट कर लेंगे, डबल ट्रिपल, इसमें भी थोड़ा सीक्वेंस देख लेंगे हम। डबल बॉन्ड आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, फिर ये आपका एल्कोहल आता है, एल्डिहाइड आता है, कार्बोक्सिलिक आता है ठीक है। तो इसमें भी करना है, बस देखो कौन सा कहाँ पे जुड़ा। आईयूपीएसी नाम है, मेन क्या है? कौन सा कहाँ पे जुड़ा है, किस नंबर पे बैठा हुआ है, किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, हमें वही जगह उसकी बतानी है ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेन क्रियात्मक समूह क्या है? OH। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? इधर से ठीक है। जिधर से क्रियात्मक समूह पास में होंगे उधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरी श्रृंखला किसकी है? हेप्टेन की। तो यहाँ पे क्या आ गया? हेप्ट। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, अब आप बोलोगे ट्रिपल क्यों नहीं ले रहे हम, डबल क्यों ले रहे हैं? पहले तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले अगर हम बॉन्डिंग करेंगे तो आपको पता है ना, सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल ठीक है, फिर बाकी ओ एस सी एच ओ ये चीज़ आती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे? डबल बॉन्ड। तो हेप्ट किस जगह पे जुड़ा हुआ? डबल बॉन्ड तीसरी जगह पे, तो 3 इन। और ट्रिपल बॉन्ड किधर जुड़ा हुआ? पांचवी जगह पे, तो 5 आयन। और एल्कोहल किस जगह पे जुड़ा हुआ? दूसरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ऑल ठीक है। हेप्ट 3 इन 5 आयन 2 ऑल ठीक है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कितने क्रियात्मक समूह हैं, 1 और 2। अच्छा ये हैलोजन ग्रुप जो है और एल्किल ग्रुप जैसे एथिल मेथिल जुड़ा होता है, इसको क्रियात्मक समूह न बोलकर क्या बोला जाता है? प्रतिस्थापी समूह ठीक है ना। हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल ओ। अब देखो यहाँ पे हमने बताया था ना कि जैसे ये है C डबल ओ ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेन क्रियात्मक समूह कौन सा है? C डबल OH ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक नंबर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे हैलोजन ग्रुप से, तो ये क्या हो गया? तीसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। तो 3 ब्रोमो 4 ऑक्सो बच्चों अगर इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब यहाँ पे जैसे C डबल OH भी है, CO है, या यहाँ पे कोई और ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे CO है, तब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सो। 3 ब्रोमो 4 ऑक्सो पूरी श्रृंखला किसकी है? कितने कार्बन है? 5। तो पेंटेनोइक एसिड। ओइक क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल ठीक है। अगर मेन इस तरह से 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह और एक क्या है? प्रतिस्थापी समूह ठीक है। तो हम एक को जैसे यहाँ पे इसको हमने क्या बोला? ऑक्सी, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन ठीक है। इसलिए हम 3 ब्रोमो 4 ऑक्सो चौथी कार्बन से क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड ठीक है। इसी तरह से इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये संघनन रूप में दिया है, संघनित रूप में ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे बच्चों,
तो यहाँ पे देखिए सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी। अब यहाँ पे सी एच टू होल फाइव है तो हम इसको खोलेंगे तो सी एच टू, ठीक है। और मतलब पांच बार क्या हो जाएगा सी एच टू फिर सी डबल ओ एच, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे ध्यान रखना सी एच क्या लिखा है ट्रिपल, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है सी एच टू होल ट्वाइस, ठीक है। फिर आगे आपका सी डबल ओ एच है तो जब हम इसको ओपन करेंगे सी एच टू होल, अच्छा होल फाइव है यहाँ पे होल फाइव, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सी एच टू कितने हैं पाँच, तो यहाँ पे एक दो तीन चार और पाँच। फिर यहाँ पे क्रियात्मक समूह कौन सा है कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ से इसको एक नंबर एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे खोलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक और पूरी श्रृंखला किसकी है ऑक्टेन की, तो यहाँ पे आ गया ऑक्ट सेवन, सातवीं जगह पे क्या जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, तो सेवन आयन ओ एक एसिड, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दो क्रियात्मक समूह हैं, एक प्रतिस्थापी है ये एमाइड है और ये क्या है कार्बोक्सिलिक, ठीक है। मतलब कार्बन से क्या जुड़ा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे टू एथिल, इधर से नंबर एक करेंगे क्योंकि मेन क्रियात्मक समूह कौन सा है ये एक दो तीन चार, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा जैसे आप बोलोगे कि दोनों तो क्रियात्मक समूह हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं। देखो जो सबसे लास्ट में है मेन हम उसको लेते हैं, ठीक है। अब कार्बोनिल समूह तो हमेशा बीच में जुड़ता है लेकिन एमाइड हो गया कार्बोक्सिलिक हो गया एल्डिहाइड हो गया तो ये कहाँ जुड़ते हैं लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन्हीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर, तो टू एथिल थ्री ऑक्सो क्योंकि कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो थ्री ऑक्सो। फिर पूरी श्रृंखला किसकी है ब्यूटेन की, और ये जो एमाइड है लास्ट में जब आईयूपीएसी नाम करेंगे तब भी इसमें क्या जुड़ जाएगा एमाइड ही जुड़ेगा, तो आपका हो जाएगा टू एथिल थ्री ऑक्सो ब्यूटेनामाइड, ठीक है। बच्चों ये हो गए कुछ आपके आईयूपीएसी नाम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखो इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है जब एक दो तीन क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे करें, ठीक है। तो ये तरीका आप समझ लोगे ना थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप पूछिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं अगर समझा पाऊँगी तो मैं बिल्कुल आपको समझाऊँगी, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। आप पूछिए समझिए चीज़ों को, नहीं समझ में आता तो मैं समझाऊँगी, ठीक है।